दोस्तों नमस्कार। पहले तो आपको कंग्रेचुलेट करना चाहूँगा कि आपने अपने से बड़ा एक गोल लिया है जीवन में, जो कि है सिविल सर्विस एग्जामिनेशन को क्रैक करना। मेरा नाम संदीप नेगी है, मैं एक पब्लिक स्पीकर, मोटिवेशनल स्पीकर हूँ और मैं अनलीश करता हूँ लोगों के पोटेंशियल को। आशा करता हूँ आप इस वीडियो से अपने सिविल सर्विस एग्जामिनेशन को क्रैक करने में आपको ये मददगार साबित होगा, आप इससे वैल्यू लेंगे। सिविल सर्विस एग्जामिनेशन को कहा जाता है, अक्सर कहा जाता है कि ये मदर ऑफ ऑल एग्जामिनेशन है, और ये बिल्कुल सही बात है। जब भी हम कुछ ऊंचा करने की कोशिश करते हैं, हम माउंट एवरेस्ट पे जब चढ़ने की कोशिश करते हैं, तो कुछ एक चीज़ें होती हैं जो बॉटम लाइन होती हैं, जो फंडामेंटल होते हैं। वो फंडामेंटल होता है, पहला होता है फोकस, ध्यान, एकाग्रता, दूसरा होता है हार्डवर्क, और तीसरा होता है सेक्रीफाइसेस। हाँ दोस्तों, अगर हमको ज़िंदगी में कुछ बड़े गेम्स हासिल करने हैं तो ये तीन चीज़ें हमारी बॉटम लाइन होंगी, जिसके ऊपर हमारी बाकी चीज़ें बिल्ड करेंगी। बिना हार्ड वर्क के ये काम होने वाला नहीं है, तो इसके लिए तैयार रहिए, सेक्रीफाइसेस के लिए तैयार रहिए। अब इसके बाद आते हैं 3 P's ऑफ परफॉर्मेंस पे, कि क्या कॉज करेगा हमको हमारा सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में क्रैक करना। तो पहला है दोस्तों प्लानिंग। वो कहते हैं ना, कोई भी जंग पहले दिमाग में जीती जाती है, कागज़ पे जीती जाती है, और तब जाके वॉरफील्ड पे, बैटलफील्ड पे जीती जाती है। नक्शा तैयार करना है कि हमको कैसे करना है, और 4 साल का 3 साल का 2 साल का नक्शा तैयार होता है सिर्फ एक दिन के नक्शा तैयार करने से। आप अपना एक दिन क्रिएट कीजिए कि मेरे को कब उठना है, कब क्या पढ़ना है, कब कैसे करना है। पूरे दिन को एक पेपर पे लिख दीजिए, वो दिन हमारा एक हफ्ता बनेगा, वो हफ्ता हमारा एक महीना बनेगा, महीना वो हमारा साल बनेगा, साल हमारा 2 साल बनेगा, 3 साल बनेगा, और मुझे पता है उससे पहले आप इसको क्रैक कर डालेंगे। तो प्लानिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। दूसरा बहुत इम्पॉर्टेंट जो है परसीवियरेंस, दृढ़ता। वो एक कहानी आपने सुनी होगी माउंटेन माझी की, वो इंसान जिसकी बीवी को हॉस्पिटल नहीं ले जा पाए क्योंकि रास्ता लंबा था, और बीच में क्योंकि एक पहाड़ था, उसमें अपनी बीवी की जान गंवाई उस घटना में। लेकिन उसने ठान लिया कि मुझे ना इस माउंटेन को हराना है। परसिवियरेंस वो है, लगातार रोज़ दृढ़ता के साथ ठोकना, करते रहना अपना काम, परसिवियरेंस है दोस्तों। तो हमको लगातार काम करते रहना पड़ेगा, डिस्पाइट रिजल्ट हमारे फेवर में हो नहीं हो। नंबर 3 है पेशेंस। दोस्तों हमारे पास पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई बार होगा हमारा प्री निकल जाएगा, हो सकता है फिर हम किसी मेंस में या इंटरव्यू में रह गए, तो हमको फिर से वापस जाके पेशेंस के साथ फिर से तैयारी करनी है दोस्तों। क्योंकि प्री तो सिर्फ क्वालिफाइंग है, असली इम्तिहान तो मेंस और इंटरव्यू का है, और पेशेंट रहना है दोस्तों। अगर दे दिए ना, आपने डिसाइड करना है कि मैं अगले 2 साल 3 साल 4 साल सिर्फ यही पे काम करूँगा, तो वही करना है। ये तो सबको पता है कि ऐसा करना है, लेकिन हमको मोटिवेट कैसे रखना है, दिन भर हर दिन उठ के, हर महीना, हर हफ्ता हमको अपने आप को मोटिवेट कैसे करना है। तो मोटिवेट करने के दोस्तों मैं आपको 5 तरीके बताऊंगा। आप जो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन दे रहे हैं दोस्तों, इसका एक बार वाई ज़रूर पता कीजिए कि आप करना क्यों चाहते हैं। ये आप जो वाई है ना, वाई वो आपको ना इंस्पायर करता रहेगा कि मुझे ना इसलिए करना है क्योंकि मुझे ना इस समाज का अपलिफ्ट करना है, जो उसके बाद जो मेरे साथ जो मेरे परिवार को वैल्यू मिलेगी, जो मुझे वैल्यू मिलेगी, उस पे आप ध्यान देंगे। दूसरा है फिजिकल बॉडी एक्सरसाइज। हमको मिनिमम 15 मिनट रोज़ के अपने शरीर को देने पड़ेंगे, एक्सरसाइज किसी भी फॉर्म में हमको करनी पड़ेगी 15 मिनट तो। तीसरा है मेडिटेशन करना पड़ेगा दोस्तों, 10 मिनट तक हमको आँखें बंद करके मेडिटेशन करना पड़ेगा, अपने श्वास के साथ जुड़ना पड़ेगा, इनहेल एक्सहेल करना पड़ेगा, और उसी मेडिटेशन में आप अपने सपने से जुड़ सकते हैं कि अगर इमेजिन कर सकते हैं कि मैं अगर ऑफिसर बना, इंडियन IAS में, IPS में, IRS में गया, तो मैं क्या कॉज करूँगा, वो आपको कनेक्ट करके रखेगा आपके गोल्स। तीसरा दोस्तों, हमको सही खाना है और सही समय पे खाना है। कई बार हम लगन में इतने हो जाते हैं कि हम खाने पीने का ध्यान नहीं रखते हैं। दोस्तों अगर हमारा शरीर नहीं हमारा साथ देगा, तो बिलीव यू मी, हम किसी और चीज़ के बारे में नहीं सोच सकेंगे। तो इसलिए बहुत सही टाइम पे खाना और सही खाना बहुत इम्पॉर्टेंट है। 5वां है दोस्तों, हमको ना
ब्रीदर लेना पड़ेगा बीच बीच में। हम लगातार 10 घंटे 12 घंटे 15 घंटे एक काम नहीं कर सकते। अपने जैसा कि मैंने कहा, अपने काम को टुकड़ों में ब्रेक करो, 3 घंटे 4 घंटे, हर एक 3 घंटे के बाद एक 10 मिनट का, 5 मिनट का, 15 मिनट का एक ब्रेक लो और अपने आप से कनेक्ट करो। वो बहुत रिफ्रेशिंग होता है दोस्तों। और मैं आपको शुभकामनाएं देना चाहता हूं और वंस अगेन आपको एक्नॉलेज करना चाहता हूं इस बड़े से गोल के लेने के लिए। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ। नमस्कार।